काशी की सड़कों को मैंने भी देखा है, चुनावों के वक्त मैं भी वहां गई हूं, वहां का एक एक आदमी ये बात तो कहता है कि कायाकल्प हुआ है। बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री, और आप सिर्फ और सिर्फ काशी की गलियों और काशी की सड़कों और काशी के घाटों की बात कर रहे हैं, दूसरे शहर का नाम नहीं आ रहा है, तो मैं कहता हूं कि ऐसी सरकार को क्या भेजेगा। आज का जो मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के जो 10 स्मार्ट सिटी सामने आ रहे हैं निकलकर, तो मुझे तो ये लगता है कि जब लोगों के अपनों की लाशों को कुत्ते खाने लगे तो समझो स्मार्ट सिटी बन गया। जब नदियों में आपके अपनों की लाशें तैरने लगे और आप असहाय हो जाएं तो समझिए स्मार्ट सिटी बन गया। जब आपके पास कब्रिस्तान कम पड़ जाए दफनाने के लिए और कोई इंतजाम ना हो तो समझिए स्मार्ट सिटी बन गया। तो जब आप एक शहर का विकास कर रहे हैं तो वहीं की जनता आपको वोट दे। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले में सिर्फ एक जिले की बात करेंगे आप, और बाकी 74 जिले क्या करेंगे? मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि आज हम लोग जब सवाल उठाते हैं कि पेट्रोल की क्या कीमत हो गई, डीजल की क्या कीमत हो गई, अरहर की दाल क्या भाव बिक रही है, प्याज क्या भाव बिक रही है, महंगाई कहां पहुंच गई, 450 का सिलेंडर 900 में बिकने लगा, तो ना तो कोई मीडिया वाला हमारा समर्थन कर रहा है, ना कोई पत्रकार हमारा समर्थन कर रहा है, ना कोई एंकर हमारे साथ खड़ा हो रहा है, ना कोई बड़ा ग्रुप हमारे साथ खड़ा हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री तक मेरी पहुंच नहीं है, मुख्यमंत्री तक मेरी पहुंच नहीं है, नहीं नहीं कोई बात, पेट्रोलियम मंत्री तक मेरी पहुंच नहीं है, पहुंच असदुद्दीन ओवैसी तक है, असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो ये बात पक्का रखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और आप इस बात का दुख मत यहाँ पर जताइए कि आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई एंकर आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप पेट्रोल डीजल पर कुछ 3 मिनट, पूरे 3 मिनट यहाँ पर आपने अपनी बात रखी है, बगैर रोक टोक के बात रखी है, तो इस बात को वापस जरूर ले लीजिएगा। ये विक्टिम कार्ड मत प्ले कीजिएगा कि कोई एंकर आपको बोलने नहीं देता है, ठीक है? और पेट्रोल का पैसा, ये बात ध्यान रखिएगा, किसी के जेब में नहीं जाता है, वो सरकार के खजाने में जाता है। ये ज्ञान जो आपने दिया मुझे, ये 2014 से पहले आपने स्मृति ईरानी को नहीं दिया था, सुषमा स्वराज जी जो मरहूम है उनको नहीं दिया था आपने। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान देती है आप उनको कि जो पेट्रोल के ऊपर जो गैस का सिलेंडर सर पे रख के डांस हो रहा था, महंगाई 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 की बात कर रहे थे, पेट्रोल महंगा, डॉलर के जब रेट ऊपर जाते हैं, रुपया गिरता है, तो कैसे ज्ञान देती उस वक्त सरकार की आमदनी कम नहीं थी, कैसे ज्ञान देती? अरे मैडम, प्राकृतिक आपदा नहीं आई थी उस वक्त, कोरोना पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं हो रहे थे, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सरकार का खजाना या खाली नहीं हो रहा था, 35,000 करोड़, कैसे ज्ञान देती? कोरोना लाते उस वक्त तो ज्ञान दे पाती ना हुजूर, इतना भी तो समझिए ना, थोड़ा बेसिक BASICS बेसिक थोड़ा वो तो आपको आना चाहिए ना। मैं तो नहीं भागता कहीं, मैं तो आपकी बात ही का जवाब दे रहा था। नहीं, मैं भी आप ही की बात का जवाब दे रही थी। मैं 2014 में ज्ञान तब देती ना जब मुझे ये सारी चीजें एक एक ऐसे फ्रेम में दिख रही होती। आपको नहीं पता है कि पूरी दुनिया में हालत इस वक्त खराब है कोरोना की वजह से, मालूम है कि नहीं आपको? असीम वकार साहब, मैं आपकी शिकायत सर आंखों पर रखता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि हर सरकार को वो चश्मा तैयार रखना चाहिए जो मोदी जी देते हैं आप लोगों को। अच्छा, ये चश्मा है कोरोना, आपको लगता है चश्मा है? सरकार को देना चाहिए आप लोगों को। कोरोना आपको लगता है चश्मा है? नहीं मैडम, मैं पेट्रोल प्राइस की बात कर रहा हूँ। हाँ? मैं मैडम डीजल की बात कर रहा हूँ, नहीं बढ़ा था। मैं मैडम गैस की बात कर रहा हूँ। अरे भाई मैडम, सरसों के तेल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको इस वक्त प्राकृतिक आपदा से जिस तरीके के हालात बने हैं उसकी बात कर रही हूँ। मैडम मैं कोरोना की नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 240 रुपए का जो सरसों का तेल बिक रहा है, 60 रुपए से ऊपर जाकर 60 वाला तेल 240 बिक रहा है, क्या ये कोरोना की वजह से बढ़ गया? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।
बताइए शांतनु जी, क्या ये कोरोना की वजह से बढ़ गया? आप बताइए ना मैडम, आपसे पूछ रहा हूँ। अरे आपको क्या, आपसे पूछ रहा हूँ मैडम। मैं बताऊंगी तो फिर आप कहेंगे रूबिका लियाकत प्रवक्ता बन गई बीजेपी की, है ना? नहीं, वो हमें कहने की जरूरत नहीं मैडम, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं आप, अच्छा अब आपको कहने की जरूरत नहीं, आपके आपके दिल में ऐसी बात लिखी हुई है कि जो बेसिक चीजें आपको बता दे और जो आपके आपके कहे मुताबिक ना बोले वो सामने वाला बीजेपी प्रवक्ता। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा ना? नहीं मैडम, माफी के साथ शांतनु जी जवाब दीजिए आप। मैं इज्जत करता हूँ आपकी, मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, अरे कोई बात नहीं, नहीं मुझे आपकी इज्जत की भाई कोई जरूरत नहीं है, वो आप अपने पास रखिए, इधर उधर कहीं बांट दीजिएगा मुझे नहीं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।